और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस विषय में रौनक के एंट्री होने के बाद में इस समय शगुन ने बोल दिया है कि तुम्हें ये टास्क दिया जाता है कि इस समय 7 दिन के लिए तुम रौनक को अपने पास रखोगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट लाते हुए नजर आने वाली है, जब सभी लोग कंफ्यूज होते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नहीं बल्कि समय रौनक और शगुन दोनों ही अंदर जाते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जाने के पीछे एक रीज़न तो हो ही नहीं सकता, ये बात सभी लोगों को पता है। और आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ भी देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है, जब सभी लोग इस चीज़ को कंफ्यूजन की नज़र से देखते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही सुमित हार मानने वाले और ना ही इस लोग हार मानने वाले, क्योंकि दोस्तों सुमित ने हार मानने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं बात की जाए इस लोग की, तो इस लोग ने बोल दिया है कि हम इस शगुन को और रौनक को दोबारा पुलिस की कस्टडी में ऐसा भेजेंगे कि दोबारा ये छोड़े से भी नहीं छूटने वाले। जी हाँ, क्योंकि इस समय कहानी एक नहीं बल्कि एक और भी नया ट्विस्ट द पेस खेलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग और बेहद ज़्यादा दिलकश देखने वाला होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शगुन का मानना यह है कि मैं सुमित और इस लोग दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देती हूँ, एक दूसरे से बिल्कुल हमेशा हमेशा के अलग कर देती हूँ, ये उसकी मैन प्री प्लानिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि पहले भी एक नहीं बल्कि कई वाक्य देखने को मिले हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नए ट्विस्ट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए। गाइस थैंक यू सो मच, सपोर्ट किया है।